केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। हमारी टीम भी लगातार जगह जगह जा रही है। आज हमारे सहयोगी ओमकार झा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए थे घाट बंका पंचायत, जहाँ से भावी मुखिया पद की उम्मीदवार पूर्णिमा देवी और साथ ही साथ उनके निवेदक अशोक मंडल जी से हमारी बातचीत हुई। कई मुद्दे थे हमारे पास बात करने के और हमारे सहयोगी ने उनसे किन मुद्दों पर बात की, उनके विजन के बारे में जानने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, चुनावी लहरें चल रही है, सभी जगह प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके घर घर घूम के अपना वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारी पूरी टीम गोटा सदर प्रखंड के बंका घाट पंचायत में है। यहाँ पे हमारी मुलाकात भावी मुखिया प्रत्याशी पूर्णिमा देवी के प्रतिनिधि अशोक मंडल जी से हुई है। इन्हीं से जानते हैं कि किन कारणों से चुनावी मैदान में हैं और क्या चाहते हैं। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है जी कि मेरा 5 साल जो बीत गया जी, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि मेरा क्या काम किए, कौन वार्ड में नहीं किए हैं जी, खुद फैसला जनता करेंगे जी, वार्ड से फैसला करेंगे कितना वोट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा जी, यही मेरा ये है। और हमको एक बार जनता हमको वोट दे के, हमको बढ़िया से हमको मत दे के हमको बनाएगा तो जरूर हम जनता का कुछ करेंगे। बच्चा का जैसे खेल कूद के लिए रोड हुआ, पानी के लेके चापाकल, यहाँ पे समस्या क्या क्या है? जैसे बहुत जैसे मिट्टी का फूस का घर है, अभी तक उसका नहीं इंदिरा आवास नहीं बना है। जैसे हम लोग का चापाकल का दिक्कत है और जैसे कुआ का भी दिक्कत है सिंचाई करने के लिए, यही सब करना है। अगर आप चुनाव जीतेंगे, बंका घाट पंचायत की जनता अगर पूर्णिमा देवी को अपना मुखिया बनाती है तो क्या क्या काम होगा? सड़क हुआ जी, कहीं पुल हुआ, उसके बाद इंदिरा आवास के लेके जी, शौचालय, यही सब हम काम करेंगे। स्कूल का जैसे शिक्षा के लिए मेरा ध्यान रहेगा और आंगनबाड़ी का जो है उसमें भी मेरा ध्यान रहेगा जी, इस सब में मेरा देख रेख रहेगा। और बच्चा के लिए खेलकूद के लिए सब कुछ मेरा व्यवस्था रहेगा। आपने बताया जब आप पंचायत में मुखिया बन के आते हैं तो आप शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान भी करेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी धर्मपत्नी एक महिला प्रत्याशी हैं, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? उसका बढ़ चढ़ के काम होगा, उसको उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हिस्सा काम करेंगे काम करेंगे। लास्ट सवाल आपसे ये होगा, आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? हम यही बोलेंगे जनता से, मेरा एक बार अनुरोध है कि एक बार 5 साल काम मुखिया बन चुके थे, जो भी हल्का फुल्का जो भी काम किए उसके बाद एक बार हमको समर्थन मिलेगा तो हम जरूर बनका को हम। आप उप मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, और मुखिया का जो चुनाव लड़ रहे हैं आपने बहुत सारे काम बताए हैं जो आप करेंगे, आवास योजना, पेंशन योजना, जल को पेयजल की समस्या को दूर करेंगे, शौचालय, ये सब की समस्या को दूर करेंगे आप। और आपने जनता से भी यही अपील, जनता से मेरा अपील वही है कि हम एक बार हमको मौका देने के बाद, आप मुखिया थे, उप मुखिया जब थे तो आपने काम किया था, इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता आपको समर्थन करे। हाँ, समर्थन करे। मुखिया जी का नाम बताइए। पूर्णिमा देवी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? 7 नंबर पे। आपका नाम? मेरा नाम अशोक मंडल। आप मुखिया प्रतिनिधि हुए? हाँ, प्रतिनिधि मुखिया। मुखिया प्रतिनिधि हुए, प्रखंड कौन सा है? मेरा ये पड़ता है बड़ियाहाट। बंका घाट पंचायत, गोड्डा सदर, जिला गोड्डा। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।